जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारों, बृहस्पति वार का दिन 9 मार्च। आज हस्त नक्षत्र है चंद्रमा और बुध का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति शुक्र की दृष्टि, शनि का नक्षत्र परिवर्तन। शनि अब धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर सद्विषा नक्षत्र में गोचर करेगा और आपकी जीवन का बेहतर समय आरंभ हो जाएगा, यानी आपके मन में खुशी, परिवार में सुख शांति, आपसी सद्भाव, नौकरी में तरक्की और जीवन में उन्नति का अवसर अब आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली, धन संपत्ति को बढ़ाने वाला बेहतर लाभ के अवसर और एक नई शुरुआत आपकी जीवन में होने वाली है, क्योंकि भाग्योदय, धन प्राप्ति, सुख समृद्धि और आपकी जीवन में सफलता, कामयाबी का सुंदर योग बन रहा है। 9 मार्च बृहस्पति बार का दिन है, गंड योग है, हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा बुध का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति शुक्र की दृष्टि है, यानी आपके जीवन में एक नई कारोबार की शुरुआत होगी। लंबे समय से रुके हुए काम पूरा होने का योग बन रहा है। हर कार्य में सफलता, उन्नति, सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और परिवार का साथ भी मिलेगा और आपके जीवन में लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा, क्योंकि आज ये हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा बुध का प्रभाव है। बुध इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जहां पहले से शनि सूर्य का गोचर है। बेहतर स्थिति आपके जीवन में लाभ, तरक्की, सुख समृद्धि लेकर आता है, जब शुक्र की स्थिति बेहतर होती है, जब मंगल का प्रभाव शुभ होता है, तब आपके जीवन में तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं, भाग्य का साथ भी प्राप्त होता है, यानी आपकी जीवन में व्यापार भी अच्छा चलता है, नौकरी भी अच्छा चलता है, संबंध भी अच्छे होते हैं और लाभ, उन्नति, सौभाग्य, समृद्धि, आपकी जीवन में परिवर्तन और शुभ समाचार लेकर आता है। आपको सफलता भी प्राप्त होती है, आपके जीवन में दाम्पत्य का सुख भी बढ़ता है, आनंद आपके जीवन में प्राप्त होता है, जमीन, मकान, वाहन इत्यादि से लाभ भी प्राप्त होता है, तरक्की के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं, मान सम्मान भी मिलता है, यानी परिस्थिति में वृद्धि होती है, आपके लिए तरक्की लाभ का अवसर प्राप्त होता है, भाग्य जब आपका साथ देता है तो आपके जीवन में बड़े लाभ, सौभाग्य बढ़ता है और बेहतर स्थिति का निर्माण आपके लिए बड़ा शुभ और आपको बहुत सफल बनाता है। आज का दिन आपके लिए बड़ा तरक्की, सुख समृद्धि लेकर आपके जीवन में सफलता, कामयाबी और उन्नति का योग बना रहा है। आज ये दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है, अष्टम भाव में मंगल का गोचर, आपकी कुंडली के द्वादश में चंद्रमा बैठा है, जबकि आपकी कुंडली में लग्न के ऊपर केतु का गोचर है, पंचम भाव में बुध, सूर्य, सूर्य और शनि का गोचर है, वहीं आपकी कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा है। मान सम्मान के साथ जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, आपके लिए लाभ, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बेहतर समय आपके जीवन में बड़ा सुख है, संपत्ति को बढ़ाता है। तो तुला राशि वालों, आज ये दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी शनि है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर चरण का स्वामी राहु। ग्रह और सितारे जिसके प्रभाव से आपके जीवन में लाभ होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, आपके लिए तरक्की का रास्ता बन रहा है
और किस्मत में बड़े बदलाव का योग बन रहा है, क्योंकि आज चंद्रमा बुध का प्रभाव राहु की छाया बृहस्पति शुक्र की दृष्टि है। प्रथम चरण का शनि पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में पारिवारिक जीवन बड़ा सुखद होगा, सुंदर फल प्राप्त होगा, परिवार की स्थिति परिस्थिति बदलेगी, खुशी आप अनुभव करेंगे, विलासिता का माहौल होगा, आपके लिए धन सुख और लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा, नौकरी व्यवसाय आपके अच्छे चलेंगे और धन संबंधित आपके काम पूरे होंगे। ये जो समय है सफलतापूर्वक अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का समय है। जीवन में उम्मीद और तरक्की का योग बेहतर परिणाम लेकर आएगा, आगे बढ़ने का अवसर देगा, लाभ प्राप्त करने का अवसर देगा, आपके जीवन के सभी क्षेत्र में तरक्की उन्नति का सुख समृद्धि का लाभ लेकर आएगा और बेहतर दिन आपके लिए बड़ा शुभ परिणाम देगा। आज चंद्रमा द्वितीय चरण में द्वादश में बैठा है, चंद्रमा के कारण कोई सरप्राइज मिलेगा, चंद्रमा के कारण समस्याओं का समाधान होगा, जबकि तृतीय चरण का शुक्र बृहस्पति के साथ छठे भाव में गोचर कर रहा है। अपने दिमाग की बात सुनकर फैसला करें, दिल पर न ले, क्योंकि आज शुक्र के साथ बृहस्पति का गोचर है। आपकी जीवन में धन संपत्ति को बढ़ाने वाला, रिश्तों में मधुरता लेकर आने वाला, परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला चंद्रमा बुध का प्रभाव बेहतर लाभ की स्थिति बना रहा है। चतुर्थ चरण में राहु का प्रभाव है, जो सप्तम भाव में बैठा है, जिसके प्रभाव से आप विजेता बनेंगे, जिसके प्रभाव से कठिनाइयों पर आप विजय प्राप्त करेंगे, जिसके शक्ति से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, आपके लिए संभावना तरक्की का दिखाई दे रहा है, लाभ धन की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका अच्छा है तो आपके जीवन में सुख संपत्ति आपकी बढ़ेगी। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। भाग्य उदय का दिन है 9 मार्च बृहस्पतिवार का दिन, चैत माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, गंड योग हस्त नक्षत्र चंद्रमा बुध प्रभावित कर रहा है, एक कर्म का स्वामी है, एक भाग्य का स्वामी है, वहीं बृहस्पति शुक्र की दृष्टि है, बेहतर उपलब्धि तरक्की आपको जीवन में प्राप्त होगी, आपके जीवन में बड़ा सुख सौभाग्य का योग बन रहा है, बेहतर स्थिति आपके जीवन में बड़ा लाभ और तरक्की का योग बना रहा है, बेहतर समय है, आपके जीवन में अपार खुशी और धन की प्राप्ति होगी। आज का दिन राहु काल 2:03 तक राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 ब्रह्म मुहूर्त में ही आपके जीवन में तरक्की आरंभ हो जाएगी, जबकि अभिजीत मुहूर्त 12:08 के बाद बृहस्पति की दृष्टि से आपके जीवन में शुभता और लाभ की अनुभूति, जीवन में तरक्की सुख है और आपके लिए सौभाग्य का योग बनाएगा। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:17 विजय मुहूर्त में बड़ी सफलता का योग भी मिलेगा, आपके लिए खुशियां भी बढ़ेगी और लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा। आज अमृत काल रात 11:33 के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छे काम हो जाएंगे और आपके जीवन में कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। आज राहु काल 2:03 तक राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। आज दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें, आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 2 होगा, तो आप बड़े भाग्यशाली बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके लिए तरक्की लाभ सौभाग्य का योग है, निश्चित ही आपके जीवन में खुशी सुख की प्राप्ति होगी, अब आपके लिए बड़ा लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे और भाग्य भी आपका चमकेगा, जीवन में तरक्की
उन्नति का सुख प्राप्त करेंगे, तब हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।